निशिकांत कामत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का टैलेंटेड डायरेक्टर था। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी और तमिल फिल्मों में भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और डायरेक्टर निशिकांत कामत ने लीवर डिजीज की वजह से 17 अगस्त 2020 में हम सबको छोड़कर चले गए। हालांकि उन्होंने हमारे साथ अभी नहीं रहा, फिर भी उन्होंने जहाँ भी रहे प्रे करती हूँ कि शांति से रहे। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर निशिकांत कामत के बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, डोंबिवली फर्स्ट। ये 2005 मराठी फिल्म है और इसमें संदीप कुलकर्णी शिल्पा लीड रोल में है। इसमें माधव आप्टे कैसे लाइफ में करप्शन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वही इसमें दिखाई है। और ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन मराठी में और इसका IMDb रेटिंग मिला 8/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 2, इवानु ओरुवन। ये 2007 तमिल ड्रामा फिल्म है और इसमें मधुवन संगीता लीड रोल में है और ये 2005 मराठी फिल्म डोंबिवली फर्स्ट का तमिल रीमेक है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.1/10 और इसका बजट था 10 करोड़। इंडियन बॉक्स ऑफिस का शो रहा 35, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस का शो रहा 80 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित थी। नंबर 3, मुंबई मेरी जान। ये 2008 कल्ट क्लासिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें मधुबन सोहैली खान लीड रोल में है। इसमें 5 आदमी ने मिलकर कैसे 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की वजह से इफेक्टेड होता है वही इसमें दिखाई है और इसका बजट था 3 करोड़। इंडियन बॉक्स ऑफिस का शो रहा 4 करोड़, वर्ल्डवाइड का शो रहा 5 करोड़ और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 4, फोर्स। ये 2011 हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें जॉन अब्राहम जेनेलिया डी सुजा लीड रोल में है। इसमें एसीपी का वाइफ को गैंगस्टर पंडिया ने मर्डर करते हैं और बाद में एसीपी ने कैसे इसका रिवेंज लेने के लिए कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.4/10 और इसका बजट था 28 करोड़। इंडियन कलेक्शन रहा 35 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 40 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया .com की रिपोर्ट से ये फिल्म अबव एवरेज निकला। नंबर 5, लाई बिहारी। ये 2014 मराठी एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें रितेश देशमुख लीड रोल में है। इसमें सुमित्रा के बेटा मर्डर होने के बाद वो पांधरपुर में कैसे अपने बेटा के जैसा देखने वाले एक लड़का से मिलता है वह इसमें दिखाई है और लाई बिहारी 2015 में सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ दिया था और ये फिल्म को महाराष्ट्र का हाईएस्ट टेलीविजन व्यूअरशिप मिला था और ये फिल्म 100 डेज तक सक्सेसफुली रन किया है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.2/10 और इसका बजट था सिर्फ 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस का शो रहा 40 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 6, दृश्यम। ये 2005 हिंदी ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और इसमें अजय देवगन श्रेया शरण ताबू लीड रोल में है। इसमें विजय कैसे अपनी फैमिली द्वारा हुआ एक्सीडेंटल क्राइम को छुपाने के लिए प्लान करके स्टेप लेते हुए इसमें दिखाई है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा थ्रिलर फिल्म माना जाता है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.2/10 और ये फिल्म मलयालम फिल्म दृश्यम का हिंदी रिमेक है और इसका बजट था 60 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 75 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 110 करोड़ और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर 7, रॉकी हैंडसम। ये 2016 एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें जॉन अब्राहम, दिया चलवात और श्रुति हसन लीड रोल में है। इसमें एक यंग लड़का कबीर खान एक 8 साल का किडनैप हुई लड़की नामी को बचाने के लिए कैसे फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई है और जब पर इसका बजट था 20 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 25 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 36 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 8, मदारी। ये 2016 सोशल थ्रिलर फिल्म है और इसमें इरफान खान विशेष लीड रोल में है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। तो दोस्तों, ये रहा डायरेक्टर निशिकांत कामत के बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में। रिप डायरेक्टर निशिकांत। तो दोस्तों, इन सभी फिल्मों से कौन सा फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इससे बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।